नहीं घबराई हुई नहीं, वो तो अचानक सामने आ गई ना। अच्छा वो मैं पूछ रही थी कि आप मेरे साथ कल चंडीगढ़ चल रहे हो। कोई बात नहीं, अगर आप नहीं जाना चाहते तो आप वहाँ भी कर सकते। तो आपका मन पसंदीदा शो परिणीति जिसमें नजर आ रहा है नीति के घर पर रहने आई है पार्वती। पता नहीं क्यों आई है, नीति की माँ काफी चौंक गई है उन्हें वहां पर देखकर। वो अपना पूरा सामान लेके उनके घर आई है। जब नीति की माँ उन्हें पूछती है तो वो बताती है कि उन्हें बस एक रात के लिए वहां पर रुकना है। और तभी नीति की माँ उन्हें कमरा दिखा देती है और वो चली जाती है। तब नीति की माँ को ख्याल आता है कि नीति को इस बारे में खबर देनी होगी, इनके बारे में खबर देनी होगी। जब वो उनका फोन ढूंढ रही होती है तब उन्हें उनका फोन नहीं मिलता है, साथ ही उनका लैंडलाइन भी खराब है। और तभी पार्वती नीति की माँ से एक साइको की तरह बात कर रही है और उन्हें कहती है कि उन्हें चंडीगढ़ आना पड़ेगा। नीति की माँ को पार्वती के साथ चंडीगढ़ जाना पड़ेगा गणपति विसर्जन के लिए। अच्छी बात है ना आंटी जी, हम बार बार उसी गणपति विसर्जन पर अटेंड करेंगे।